सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ द चैनल ड्राइव मेनियाक। आप देख रहे हैं चैनल को और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू आप लोगों को कि आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर जो है मुझे इतनी जल्दी दे दिया, लाइक किया वीडियो को, कमेंट किया मेरे वीडियोज़ को एंड मेरे को इतना प्यार दिया। तो आज का ये जैसे कैप्शन आप देख सकते हैं कि मतलब मैं TVS रॉनिन का जो ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक GTT जो फीचर है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो एक्चुअली में GTT क्या है, GTT मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो जो एक्सलेटर का इनपुट है इसके बिना भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड गियर में वो TVS बोलती है कि आपका बाइक जो है वो जो है मतलब आगे मूवमेंट कर सकता है। सिंपल भाषा में ये कहूँ, इंजीनियरिंग के भाषा में मैं ये कहूँ तो इसमें जो क्लच है वो अपने आप ही मतलब एडजस्ट हो जाता है ताकि बाइक में कोई भी नॉकिंग ना हो जब आप ट्रैफिक में बहुत स्लो स्पीड में, तो मतलब आपको एक्सलेटर का इनपुट नहीं देना हो एंड आप ट्रैफिक में 10 के स्पीड में 20 के स्पीड तक आप जो है बाइक को बिना इनपुट के निकल सकते हो। ये कैसे काम करता है वो मैं आपको अभी मतलब GoPro मोड में आगे समझाता हूँ ट्रैफिक में, ठीक है। तो अभी के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को आपने अगर पसंद किया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना है, वो आपको है पता। तो करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो GoPro है वो मैंने अच्छे से फिट कर लिया एंड मतलब अभी मुझे मोटो ब्लॉगिंग में ये मुझे समझ में आ गया है कि कैमरा कैसे फिट करना है, माइक का इनपुट कितना होगा क्या होगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों का ऑडियो और वीडियो जो है वो सेटिस्फैक्ट्री मिल रहा होगा। ये वो फ़ोन का स्टैंड है जो मैं बोल रहा था, मेरा फ़ोन जो है सैमसंग वाला, इसमें बहुत अच्छे से फिट हो गया। तो करते हैं बाइक को स्टार्ट, ठीक है। तो बाइक हो गई स्टार्ट, ठीक है, एंड डालते हैं फर्स्ट गियर एंड मूव करते हैं। तो GTT का जो फीचर है वो ये है कि आप बिना मतलब एक्सलेटर के इनपुट के भी आगे जा सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा हाथ जो है एक्सलेटर में, राइट हैंड है, तो ये अभी मैंने मिनिमम इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा ट्रैफिक को निकल जाने देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। अभी मैंने सेकेंड गियर में गाड़ी को डाल लिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं अपना हाथ जो है वो यहाँ पे रख लूँगा, क्लच पे आप ध्यान रखना, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये क्लच से प्रेस नहीं करूँगा, ठीक है। तो लेट्स सी, ये देखिए तो गाड़ी अभी सेकेंड गियर पे है लेकिन फिर भी 10 का स्पीड ये कर रही है एंड GTT जो है वो काम अपने आप अपना जो है वो कर रहा है। अभी हम करते हैं थर्ड गियर पे शिफ्ट। देखिए थर्ड गियर पे शिफ्ट करने के बाद भी गाड़ी अपने आप आगे जा रही है, मेरा हाथ एक्सलेटर पे है नहीं एंड क्लच मैंने छोड़ रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक स्टैंड स्टिल से इसका मूवमेंट जो है फर्स्ट गियर में वो कैसा रहेगा वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ से मारते हैं यू टर्न एंड फिर आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, यू टर्न हो गया है। तो अभी मैं फर्स्ट गियर पे हूँ, आप देख सकते हैं मीटर पे, ठीक है, एंड अभी मैंने ये हाथ मैंने छोड़ दिया एंड क्लच भी फ्री है, एक्सलेटर भी फ्री है लेकिन फिर भी गाड़ी 7 की स्पीड में वो आगे जा रही है, ठीक है। तो ये है एक्चुअली में GTT का जो कि ट्रैफिक में बहुत ही हेल्पफुल है एंड वो सिर्फ आपको यही बाइक में आपको मिल पाता है रॉनिन में। TVS ने ये कुछ एक नया एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है। ये देखिए मैं 7 के स्पीड पर जा रहा हूँ, फर्स्ट गियर पर है एंड एक्सलेटर पर कोई इनपुट नहीं है एंड गाड़ी आगे बिना कोई नॉकिंग के आगे जा रही है, ठीक है। अभी मैं सेकेंड गियर डाल देता हूँ, ठीक है, सेकेंड गियर डाल दिया। अब देखिए मेरा राइट हैंड एक्सलेटर पे है नहीं, गाड़ी आगे जा रही है, RPM 1000 पे है, तो गाड़ी नॉकिंग नहीं है, नहीं तो गाड़ी जो है स्टॉल भी नहीं हो रही है एंड गाड़ी आगे जो है GTT का जो फंक्शन है उससे आगे जा रहे हैं। तो ये जो एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर है जो TVS ने कस्टमर के मतलब सहूलियत के लिए, बेनिफिट के लिए दिया एंड बहुत अच्छा सा एक जो है मेरे ख्याल से ये हर बाइक में आजकल होना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक इतना है एंड मैक्सिमम हम अपना टाइम जो है वो शहर में ही निकालते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। देख सकते हैं आप सेकेंड गियर में गाड़ी
10 के स्पीड वैन में आगे जा रहा हूँ। तो ये है एक्चुअली में TVS रॉनिन का जो GTT है फंक्शन। बहुत जन कह रहे थे हंटर, तो हंटर में ये नहीं आता है, पहले ही मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। एंड ये फीचर जो है और यही एक फीचर के लिए मैंने TVS रॉनिन को चूज़ किया है। एंड मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए आप एक लाइक, एक शेयर एंड चैनल को एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। अगले व्लॉग के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए शहर को साफ रखिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।